आप गुलजार जी का एक और सुनिए, जो कि सोचा ही नहीं गया था कि वो गाना भी कभी गाने की शक्ल में आएगा। उन्होंने सिंपल एक गद्य टाइप का लिख दिया था, पद्य है लेकिन गद्य टाइप में लिख दिया था, जिसमें कोई भी तुकांत नहीं था, तुक नहीं था। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। अगर इस पिक्चर को आप देखा होगा तो इसमें गुलजार जी ने क्या कमाल का लिखा है इस गीत को इन्होंने। ये गीत का दो लाइन सुन लीजिए, चूंकि कॉपीराइट में आ जाएगा इसलिए मैं चाहूंगा कि इस गीत को अलग से आप सुनिए। मेरा कुछ पूरा का पूरा गाना जब आया, ये फिल्म कंप्लीट हो गई थी उसके बाद ये गाना आया, और म्यूजिक डायरेक्टर आर डी बर्मन को जब दिया गया तो आर डी बर्मन बोल रहे हैं कि इसमें मैं क्या करूं, ये तो कुछ तुक ही नहीं मिल रहा है। लेकिन मुस्कुराए गुलजार साहब, उन्होंने कहा कि अगर गीत बनेगी तो इसका हर एक लफ्ज़ ऐसा ही होगा, हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। तो आर डी बर्मन जी ने भी इसे एक चैलेंज के रूप में लिया और जो गीत लिखा, और आशा भोसले जी ने जो गाया इस गीत को, आप सुनेंगे आपको हर एक लाइन में लगेगा कि इतना अच्छा भी कोई लिख सकता है। कंटिन्यू टू नेक्स्ट पार्ट। आज ही ज्वाइन कीजिए डिजी फिल्मिंग का इफ्टा ऑनलाइन कोर्स, इट वर्क्स।